आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा एम कॉम का एग्ज़ाम चालू है, तो उसका मैं आपको कुछ दिखाता हूँ प्रिपरेशन मेरा कैसे चल रहा है। ये है मेरी बुक एम कॉम पार्ट वन की, सेमेस्टर टू ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और मनन प्रकाशन की बुक है। तो मैंने स्टडी कैसे किया है मैं आपको वो दिखाता हूँ, और फिर अभी एग्ज़ाम में क्या होगा उसका एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँगा। ये चार चैप्टर हैं, 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा 4। तो पूरा बुक तो कर नहीं सकते, तो मैंने क्या किया है, मैंने यूनिवर्सिटी का जो रूल रहता है उसको समझा है, वो मैं आपको बताता हूँ। शायद अगर आप भी बीकॉम कर रहे होगे, ये तो मुंबई सिटी में अगर आप ये अप्लाई करोगे तो 100% अप्लाई होगा। अगर किसी और यूनिवर्सिटी में आप हो तो यहाँ से एक एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ आइडिया। तो जो ये पहला चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर है, और ये अपना चौथा चैप्टर है। इस तरीके से अपने चैप्टर्स हैं। तो अब हर चैप्टर में से वो लोग 3 क्वेश्चन पूछते हैं, और एक चैप्टर को वो लोग 4 भागों में डिवाइड किए रहते हैं। हर चैप्टर को 4 भागों में डिवाइड करते हैं और उसमें से 3 क्वेश्चन को पूछते हैं। तो डिवाइड करना मुझे आता है, ये देखो यहाँ पे मैंने 1, 2 ये दोनों को मिला के, तो हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन आते हैं। मतलब पूरे चैप्टर को यूनिवर्सिटी क्या करता है, मुंबई यूनिवर्सिटी 4 कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर देता है। तो वो एक्चुअल में वो खुद से नहीं डिवाइड करता, वो खुद से डिवाइड करना पड़ता है, बस थोड़ा सा वो हिंट देता है। जैसे यहाँ पे देखो 1 डॉट है 2 डॉट है 3 डॉट 4 डॉट 5 6 डॉट है, लेकिन डिवाइड उसने 4 ही भाग में किया रहता है। ये हमें कैसे समझ में आता है, ये थोड़ा तो एक्सपीरियंस काम आता है, और फिर हम अपने प्रोफेसर से पूछ सकते हैं तो पता चल जाता है। ये देखो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर लिया, ये पूरा मिला के एक कॉन्सेप्ट है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये तीसरा कॉन्सेप्ट है, ये चौथा कॉन्सेप्ट है। तो अगर सब करने जाएंगे तो 10-12 क्वेश्चन करेंगे, कर भी लेंगे तो भी हम भूल जाएंगे, एग्ज़ाम में कुछ याद ही नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 4 कॉन्सेप्ट को 4 भागों में डिवाइड कर लिया, मतलब जो डिवाइड था पहले से उसको डिवाइड कर लिया। अब उसमें से सिर्फ मैंने एक एक कॉन्सेप्ट किया है हर चैप्टर का। जैसे ये वाले चैप्टर का ये वाला कॉन्सेप्ट कर लिया मैंने, दूसरा ये वाले चैप्टर का मैंने ये चौथा वाला कॉन्सेप्ट कर लिया है, और ये तीसरे चैप्टर का मैंने कौन सा किया है, इसमें मैंने हाँ ये लास्ट वाला कर लिया है, लास्ट वाला कर लिया है, और चौथे चैप्टर का मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट किया है, ये टैक्सेशन इशू वाला। और एक कॉन्सेप्ट में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। आज थोड़ा एग्ज़ाम से रिलेटेड ही बातें करते हैं। अभी ये 4 कॉन्सेप्ट पहला मॉड्यूल है, ये एक चैप्टर है जिसके 4 कॉन्सेप्ट में डिवाइड है। मैंने किया कौन सा है, ये वाला बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स, चैलेंजेस ऑफ ई कॉमर्स स्ट्रेटजी, एक कॉन्सेप्ट में 3 क्वेश्चन इसके आगे। अब ये मैंने कर लिया है, अब एग्ज़ाम में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 4 ऐसे वो लोग उठाते हैं, लेकिन 3 ही क्वेश्चन उठाते हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया तब तो मैं फंस जाऊँगा, यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए एक। लेकिन अगर नहीं आया तो उसकी भी एक तैयारी है मेरी, वो मैं आपको एग्ज़ाम के बाद बताऊँगा। अभी टाइम हो रहा है 1 बज गए हैं करेक्ट, और एग्ज़ाम मेरा है 3 से 5:30, तो एग्ज़ाम के बाद आपको बताऊँगा अगर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया तो। आपको मैं अब दूसरे मॉड्यूल का दिखाता हूँ, 54 नंबर पर दूसरा मॉड्यूल है, ये रहा दूसरा मॉड्यूल, और इसका भी 4 ये वाला जो चैप्टर है ये रहा दूसरा चैप्टर, और इसको भी 4 भागों में मैंने डिवाइड कर लिया है। देखने पे वो पता चलता है थोड़ा बहुत, और फर्स्ट ईयर से अभी तो 4 साल हो गए तो पता चल जाता है कि कौन सा कैसे है। जैसे ये दोनों मिलके एक ही कॉन्सेप्ट है, तो मैंने यही वाला कॉन्सेप्ट किया है, और इसमें मैंने किए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 3 क्वेश्चन पहले चैप्टर के और 6 टोटल मिला के 9 क्वेश्चन यहाँ पर मुझे मैंने किए। आप भी बोलोगे ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आपने भी ग्रेजुएशन किया होगा और इस तरीके से किया होगा तो आप समझ रहे होगे कि एक्चुअल में हम करते क्या हैं, और वहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं आता तो हालत ख़राब होती है, क्योंकि पूरा बुक हम कर भी लेंगे। चलो मान लो अगर हम 1 महीने पहले से प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो पूरा बुक हो भी जाएगा, लेकिन फिर वहाँ पर खिचड़ी हो जाती है। इसीलिए मैं तो कुछ इस तरीके से करता हूँ जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो अब मैं आपको तीसरे चैप्टर का दिखाता हूँ, तीसरा चैप्टर है पेज नंबर 123 पे, रहा मेरा तीसरा चैप्टर, और इसका पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो उन्होंने डिवाइड करके दिया था बुक वालों ने, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट और 4 कॉन्सेप्ट है। तो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट कर लिया है, और इसमें क्वेश्चन मैंने कितने किए हैं, 1, 2, 3, 4, एक यहाँ पे मैंने कट मारा, इसको किया ही नहीं।
क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में वो था, पॉइंट नहीं था। पॉइंट मतलब ऐसे अगर पॉइंट रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो जैसे ये क्वेश्चन है स्कोप ऑफ ई मार्केटिंग, तो इसमें 10-12 पॉइंट रहते हैं, तो पॉइंट याद करना थोड़ा आसान रहता है, और इसमें पॉइंट ही नहीं है तो मैंने इसको छोड़ दिया। तो तीसरे चैप्टर का मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट किया है। अब चौथे चैप्टर में चलते हैं। चौथा चैप्टर पेज नंबर 196 पे है। ये देखो, ये चैप्टर में उन्होंने बहुत कंफ्यूज किया था, उन्होंने खुद से कुछ भी नहीं डिवाइड किया था, मैंने इसको डिवाइड किया। ये होगा एक कॉन्सेप्ट, दो, तीन और चार। ये मैं कैसे डिवाइड करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, और उसका मेरे पास प्रूफ भी है। प्रूफ क्या है कि 2017 में जब पेपर हुआ था, तो उन्होंने देखो हर कॉन्सेप्ट से उस समय चार क्वेश्चन आते थे, जिसमें से हम लोग को दो अटेंड करना रहता था, लेकिन अब तीन आते हैं जिसमें से हमें एक अटेंड करना रहता है। तो उन्होंने देखो कैसे क्वेश्चन उठाया। यह पहला कॉन्सेप्ट है 2017 में, एक क्वेश्चन उन्होंने यहाँ से उठा लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन उन्होंने यहाँ से उठा लिया। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है, उन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ से उठाया। और चौथा कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, तो वहाँ से उन्होंने दो क्वेश्चन उठा लिया, कभी कभी एक शॉर्ट में भी डाल देते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग एक करके जाते हैं एक कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, क्योंकि अब पहले क्वेश्चन चार आते थे, अब तीन ही आते हैं। तो अगर हमने जिस कॉन्सेप्ट की से किया वहाँ से नहीं उठाया, तब तो फंस जाते हैं। तो इस तरीके से पढ़ाई हो चुकी है, पॉइंट मैंने याद कर लिया। और पॉइंट ऐसे नहीं याद होते, तो पॉइंट बना लो, जो पॉइंट हमें बनाना हो, कोई नाम, कोई मूवी का नाम, जैसे मैंने अपना एक होता है ना इंडियन पैनल कोड ऐसे कुछ करके, तो IPTC इसका मैंने ऐसे बना लिया है शॉर्ट फॉर्म। डायरेक्ट टैक्स में कुछ इशू होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ इशू होते हैं, तो उसको A to I, मतलब A to I एक मराठी शब्द है, मतलब हम अपनी माँ को बुलाते हैं कि माँ यहाँ आओ, तो उसको मराठी में कहते हैं A to I, तो मैंने वैसे बना लिया। और यहाँ पे देखो EWPW, EWDW, इसका इशारा तो इस तरीके से कुछ तैयारी हुई है, तो कुछ इस तरीके से तैयारी मैंने किया था एग्ज़ाम का, और ठीक ठाक पेपर गया। अगर हम सिर्फ BCom या MCom कर रहे हैं, तब तो हमें टॉप मारना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम वही कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कुछ और भी कर रहे हैं तो पास हो जाएंगे, या फिर 50-60% आ जाएँ तो ठीक है। तो ये एक ट्रिक था जो मुझे लगा कि जो बच्चे जॉब करते हैं, प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाते, लेक्चर नहीं अटेंड कर पाते, तो उनको हेल्प करेगा। और आपको कोई डाउट रहेगा MCom से रिलेटेड कि मतलब स्टडी कैसे करें अगर आपने लेक्चर नहीं अटेंड किया है, थोड़ा बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मुझे आप सबके साथ शेयर करने में अच्छा लगेगा। तो आज के ब्लॉग में बस यही था, एग्ज़ाम था तो उसका स्टडी मैंने कैसे किया था, क्योंकि अगर हम पूरा बुक करेंगे तो पूरा बुक हमें 2-3 महीने पहले शुरू करना चाहिए, क्योंकि एक बार हो तो जाता है लेकिन फिर हम लोग भूल जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें प्रॉपर पता रहे यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और हमें सिर्फ पास होना रहे, तो 4-5 दिन पहले भी पढ़ाई करके आराम से पास हो सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जो मुझे पता थे, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आज के ब्लॉग को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी दिन इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।